Wah! Burn it down. Burn it. दोस्तों, ऑक्सीजन की हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन, जिसे प्राणवायु भी कहते हैं, अगर पृथ्वी के वातावरण में न रहे तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल किसी भी स्थान पर ऑक्सीजन की मौजूदगी जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। पृथ्वी के वातावरण में 21% ऑक्सीजन मौजूद है। आज हम जो पृथ्वी पर हर तरफ जीवन को देख पाते हैं, चाहे वे पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी या फिर जल जीव ही क्यों न हो, इनकी मौजूदगी बरकरार रखने में ऑक्सीजन का अहम योगदान है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी के वातावरण से ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? नहीं पता? चलिए हम आपको बताते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, ऑक्सीजन अगर कुछ समय के लिए गायब हो जाए तो सबसे पहले तो पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाएगी, दूसरा दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हवा में मौजूद प्रकाश कणों, धूल, ऑक्सीजन अणु एवं अन्य अशुद्धियां आदि से परावर्तित होने के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुँचती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का अर्थ है प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होंगी, जिसके कारण आकाश लगभग काला दिखने लगेगा। फिर उसके बाद समुद्र के पास जितने भी लोग खुले में लेटे होंगे, उन्हें तुरंत ही सनबर्न हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत या ऑक्सीजन के अणु की परत पृथ्वी की सतह में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगी। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह में प्रवेश करेगी तो हम टोस्ट के जैसे हो जाएंगे या टोस्ट जैसे दिखने लगेंगे। हर तरह के इंजन ऑफ हो जाएंगे, चाहे वे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के हो या हवा में उड़ते हवाई जहाज के। दोस्तों, टेक ऑफ ले चुके हवाई जहाज क्रैश हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं रहा तो ईंधन नहीं जल पाएगा, और यदि ईंधन ही नहीं जल पाएगा तो सारे इंजन अपने आप बंद हो जाएंगे। दोस्तों, धातुओं पर ऑक्सीकरण की परत चढ़ाई जाती है, इसकी वजह से संपर्क में आने पर वे एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं। ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में एक रोचक साइड इफेक्ट यह भी होगा कि धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। पूरी दुनिया एक साथ बहरी हो जाएगी क्योंकि अचानक वातावरण में मौजूद 21% ऑक्सीजन लुप्त होने से वायु का दबाव घट जाएगा और हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ऑक्सीजन कान के पर्दों को वायु के दबाव में होने वाले बदलावों के अनुकूल बनाता है। ऑक्सीजन अगर 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो हमारी कोशिकाएं फूलकर फटने लगेगी। अगर आप सोचते हैं कि ऑक्सीजन के न होने पर हमारी मौत दम घुटने से होगी और 5 सेकंड में तो किसी का दम नहीं घुट सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल हमारे शरीर में 60% पानी होता है और पानी के हर मॉलिक्यूल में 88% ऑक्सीजन होती है, बाकी 12.12% हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के न रहने पर हाइड्रोजन गैसीय रूप में आ जाएगा और हमारी कोशिकाओं का आयतन बढ़ जाने के कारण वे फूल के फट जाएगी। दोस्तों, पानी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रही तो पानी हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगा, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, जिसके कारण वह उड़ करके अंतरिक्ष में चली जाएगी और हमारे समुद्र खाली हो जाएंगे और सूख जाएंगे। यहाँ तक कि आंतरिक दहन इंजन पर निर्भर करने वाले सभी कार या वाहन ऑक्सीजन के बिना रुक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। इसकी वजह से विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान सभी आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे, और जितनी भी कंक्रीट से बनी इमारतें या कोई अन्य संरचना है, वे सब धूल में या टुकड़ों में बदल जाएगी। पृथ्वी की ऊपरी परत में 45% ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के बिना यौगिक अपनी कठोरता बनाए नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण हमारे नीचे की धरती गायब हो जाएगी और हम आसानी से गिरने लगेंगे। ऑक्सीजन के अचानक गायब होने से हमारे पांव के नीचे की जमीन 10 से 15 किलोमीटर नीचे खिसक जाएगी।
दोस्तों, हम ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर किसी भी जीव का जीवन है वो ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ ना आए, इसके लिए हमें अपने जीवन काल में कुछ वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके